सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहर स्वर्णकार कल्याण जन जागृति रथ यात्रा के संयोजक श्री देवदत्त सोनी जी एवं उनके साथी मेहर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष लालन भैया धर्मेंद्र सोनी व अन्य साथियों द्वारा पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर स्वर्णकारों में स्वर्ण कला बोर्ड के लिए ऊर्जा का संचार करने की मेहनत ने अपना आशीर्वाद रूपी फल प्रदान किया और आपका उद्देश्य स्वर्ण कला बोर्ड गठित कराना था, जो कि घोषणा होने से आपके द्वारा की गई यात्रा का परिणाम सफल रहा। उक्त यात्रा सिर्फ समाज की भलाई के लिए निकाली गई थी। इस यात्रा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश निवासी स्वर्णकार समाज में विशेष जागृति एवं चेतना का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूर होकर मुख्यमंत्री महोदय जी को आप सभी की ताकत को देखते हुए स्वर्ण कला बोर्ड गठित करने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश का स्वर्णकार समाज आपके इस भागीरथी प्रयास के लिए सदा आभारी एवं ऋणी होगा। मैं अशोक कुमार सोनी रामनगर जिला सतना समाज के साथ साथ आपको भी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रदेश में कल स्वर्णकार समाज के लिए एक गौरव का दिवस रहा, जहाँ पर स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की घोषणा सरकार को करना पड़ा। यह मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसी मांग को लेकर के इसी मैहर से रथ यात्रा पिछले वर्ष निकाली गई थी, जो पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों गांवों एवं जिलों में जाकर के ज्ञापन देकर के सरकार से मांग की गई थी कि स्वर्णकार समाज के उत्थान हेतु, स्वर्णकार कला को जागृति रखने हेतु स्वर्ण कला बोर्ड का गठन प्रदेश में होना चाहिए, जिसके कारण समाज के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में जोरदारी के साथ उस रथ यात्रा का स्वागत हुआ। लोग ज्ञापन देने गए, कलेक्ट्रेट को, एसडीएम को, कई जगह ज्ञापन देने का काम भी मध्य प्रदेश में चला। इसके बाद पोस्ट कार्ड अभियान भी हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया गया, जहाँ 15-20 हज़ार पोस्ट कार्ड डाले गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार ने इस मांग को सरकार ने संज्ञान में लिया और मजबूर होकर मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की घोषणा की गई, जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा जिसको मंत्री का दर्जा होगा, 4 इसके सदस्य रहेंगे और साथ ही ये भी घोषणा हुई कि जो स्वर्णकार कारीगर प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र खोला जाएगा भोपाल में, वहाँ जो लड़के ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कारीगर, उनको 8,000 रुपये प्रति माह उनको अलग से दिया जाएगा। धारा 411-12 में बोर्ड में जब प्रकरण जाएगा, संगीन प्रकरण, और बोर्ड से क्लियर होगा, सीधे पुलिस उठा करके सोनी समाज के लोगों को उठा के नहीं ले जाएगी, ये भी इसमें प्रावधान हुआ है। इस तरह तमाम चीज़ें जो हमारे द्वारा लोग कहते हैं कि आपके द्वारा ये काम हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ, ये काम समाज के द्वारा समाज के लिए हुआ है। समाज का कोई भी भाई, और हम अगर मांग कर रहे थे तो हमें मालूम है, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, सरकार बीजेपी की है, घोषणा हुई तो हमें मालूम है कि सरकार अपने पार्टी के किसी को बनाएगी तो हमें इसकी खुशी है कि जो भी बनेगा सोनी बनेगा। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें समाज के उत्थान और कल्याण से मतलब है। तो जो भारतीय जनता पार्टी में हो या जो भी हो, अब उनका गठन उनके ऊपर है कि किनको सदस्य बनाते हैं, किनको अध्यक्ष बनाते हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, जो समाज की बहुत दिनों से मांग है। और ये हमारी जीत नहीं, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के सोनी समाज की जीत। अगर वो लोग हमारे साथ ना होते, उस यात्रा के साथ ना होते, इतना बड़ा तूफान प्रदेश में ना खड़ा होता, तो आज तक बहुत सारे पत्र लिखे गए। कुछ लोगों ने कहा कि सिंधिया जी के पत्र से गठन हो गया, इसके पहले कई सिंधिया पत्र लिखे हैं, तो गठन क्यों नहीं हुआ था? गठन हुआ है स्वर्णकार समाज की ताकत के कारण, किसी के पत्र के कारण नहीं हुआ है। और अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनका हम स्वागत करते हैं, उन्होंने हमारी भावनाओं का दिया बिल्कुल स्वागत करेंगे, सरकार का भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। लेकिन जो स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हुआ, उसमें मैं बार बार कहता हूँ, ये स्वर्णकार समाज की ताकत के कारण हुआ है, स्वर्णकार समाज की एकता के कारण हुआ है, और नहीं तो ये गठन होने वाला नहीं था। जब ताकत दिखी तो लोग अपने आप
कहते हैं कि जब आप खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है, तो हमने जब बुलंद किया तब फिर खुदा ने हमारी रजा को अपने आप समझ लिया। ऐसा हमारा और हम बहुत बहुत धन्यवाद समाज को भी देना चाहते हैं, लोगों को भी देना चाहते हैं, और आगे हमें ऐसा लगता है कि समाज का उत्थान निश्चित रूप से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने स्वागत किया, और हम जितने लोग आए वो तो ठीक है, जो नहीं आए वो भी ऐसा नहीं है कि स्वागत के लिए आतुर नहीं है। यह समाज के इस निर्णय से हर व्यक्ति को लाभ पहुँचेगा, हर व्यक्ति आनंदित है, हर व्यक्ति। और अभी जहाँ जहाँ हमने यात्रा लेकर हम गए हैं वहाँ वहाँ हम धन्यवाद देने भी सोनी समाज के लोगों को एक महीना का प्रोग्राम बनाएंगे कि आप उन लोगों को धन्यवाद देने उन शहरों में एक बार जाएंगे कि आप लोगों ने मेहनत किया, इसका परिणाम स्वरूप ये मिला है। तो पहला धन्यवाद तो हम मैहर को देना चाहेंगे कि जहाँ मैहर से शुरुआत हुई, माँ शारदा जी के यहाँ से शुरुआत हुई, और यहाँ के लोगों का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ, और समाज के हर व्यक्ति का सहयोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रहा है। चाहे वो जो जहाँ भी रहा हो, कोई शामिल नहीं हो सका, कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन सबके सहयोग से यह काम हुआ है। आगे भी हम चाहेंगे कि सभी के सहयोग से सब कुछ हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहर से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश स्वामी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.